आज हम बनाना सीखेंगे पंजाबी दाल मखनी। तो चलिए बनाते हैं। एक प्रेशर कुकर में एक कप काली उड़द की साबुत दाल लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप सौंफ राजमा डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 2 हरी इलायची, 4 लौंग डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे एज़ पर टेस्ट और पानी डालेंगे अप्रॉक्स 3 कप। इतना पानी होना चाहिए कि दाल अच्छे से डूब जाए। तो अब इसको हम 5 से 6 व्हिसल आने तक अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारी दाल बनती है तो इसके लिए तड़का बनाएंगे। तो एक तड़का पैन में 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून वाइट पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, ये पक चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसकी भी जब तक अच्छी स्मेल ना चली जाए तब तक इसको सौते करेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप टमाटो प्यूरी डालेंगे। तो आप इसमें टमाटर भी काट कर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट डालेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये सभी मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ जाएं। तो ये देखिए, ये तेल छोड़ चुके हैं। अब इसमें हम बॉयल दाल ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसमें कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए फुल आंच पर पकने देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से पक चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट पाउडर और ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा तड़का बनकर रेडी है। इसको हम गर्मा गर्म दाल में ऐड कर देंगे। तड़का डालने से दाल का टेस्ट और भी टेस्टी हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक लंबी लंबी कटी हुई, ग्रीन चिलीज 1 कटी हुई और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ये मिक्स हो चुका है। अब गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमारी दाल बनकर रेडी है। इसको आप चावल के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।